movie was amazing. It breaks all the stereotypes and it gives us a new direction, how the love is and how we should feel about it. What about Ayushmann Khurrana? And his acting is amazing, especially the acting of Gajraj Singh. Next level acting, I loved it. So which thing you like most in the performance? Everything, means the concept of love, this new feeling and everything. Yes. And what about direction? Direction is also amazing. The way of storytelling and everything is amazing. So out of 5 stars? 5. Thank you. It was a nice experience. So how was the movie? Nice, it was nice. Did a nice acting and the partner with him was Jitendra Kumar was nice. Okay, what about Ayushmann Khurrana? It was social message, it was a great. But this book was on about that 77 article and before it, how it felt. So I think you like the movie. About parents, how they reacted to them. About the queries. And what about direction? It was great. And what about songs? Songs amazing. Which song do you like? Gabru. Best part was the out of 5 stars. That was so amazing. 4.5. Thank you so much. बहुत अच्छी थी. इट वॉज रियली गुड. डायलॉग डिलीवरी वॉज गुड. एक्टिंग वॉज गुड. देन ओवरऑल आउट ऑफ 5 आई विल रेट 4. अगर ये स्टोरी की बात करूँ, वो कितना पसंद आया इस तरह जो स्टोरी दिखाई जा रही है? स्टोरी वॉज सोशली एक अच्छी एक्टिव स्टोरी थी, तो इट्स गुड फॉर इमर्जिंग टॉपिक्स ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं सोसाइटी के लिए. अदरवाइज आई थिंक द डायलॉग्स वर रियली गुड. I enjoyed it. Songs तो definitely are good. मतलब उसका कोई comparison नहीं था. अगर आयुष्मान खुराना की performance के बारे में बात करें, वो कितना पसंद आया और जितेंद्र कुमार भी उनके साथ दिख रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं. आयुष्मान खुराना was very enthusiastic throughout the movie and yes, both of them were compatible. They were really good. अगर इस movie की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया dialogues. They were mom dad का जो dialogues था, delivery and their everything was, मतलब their acting was really perfect. Okay, out of 5 stars? 4. Thank you so much. So sir, how was the movie Shubh Mangal Jyada? नहीं, movie अच्छी है, comedy है, funny है, बहुत अच्छे scene हैं. अगर देखा जाए तो आयुष्मान खुराना की जो भी movie आती है वो best ही लेके आता है. कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ ना कुछ comedy मिलती है. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो एक रिलेशनशिप के ऊपर जो चीज़ अभी कोर्ट ने जो पास किया था, उसके ऊपर भी एक बॉयज़ बॉयज़ अगर रिलेशन कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, गर्ल्स गर्ल्स हैं तो वो भी कर सकते हैं. पहले बहुत सारी आपत्तिजनक था, अब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं लेकिन एक प्राइवेट जगह पर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको, और कहते हैं जो भगवान ने कुदरती जो चीज़ें बनाई हैं उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ. तो वो तो मूवी भी बनाया है लेकिन बहुत चीज़ें, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए. लेकिन जो में जिस तरह से दिखाया गया होमोसेक्सुअल, तो उस टाइप की स्टोरी कितने पसंद आई होगी? आएगी, जो समझेंगे इस चीज़ को आएगी, क्योंकि यार गर्ल्स बॉयज़ है ये सबको जानते हैं, पब्लिक जानती है, ठीक है वो समाज एक्सेप्ट करती है, लेकिन बॉयज़ बॉयज़ के भी एक रिलेशन होता है. हो सकता है कि उनकी बॉडी है, हारमोन्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं. तो इसको एक्सेप्ट करने में समाज थोड़ा टाइम लगता है, कोई छुपके से एक्सेप्ट करता है, कोई बच्चों को देख के करते हैं कि बच्चे हमारे दूर ना जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, अरे आयुष्मान खुराना दोनों भी परफॉर्म अच्छा किया हुआ है. सबसे अच्छा तो अगर देखा जाए सभी ने अच्छा किया, जो जिसके साथ शादी हुई है लड़की जो भाग जाती है गहने लेके, तो उसने भी अच्छा परफॉर्म किया. परफॉर्म तो सभी सारे करेक्टर जो हैं, सभी करेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. सॉन्ग्स कितने पसंद आए इस मूवी में? सॉन्ग सारे पसंद आए. अब लास्ट में भी सॉन्ग आया तो वो भी अच्छा है, बट करेक्टर भाई, कॉमेडी भाई, और जो समाज को सबसे बड़ा SMS है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, और समाज को वो SMS कि जब वो दोनों राजी हैं तो उनको भी एक, हर व्यक्ति को अपनी एक लाइफ जीने का हक है, उसका लाइफ जीने का हक है, क्योंकि भगवान ने ही या जैसे भी कुदरती जो शरीर में दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं किया जाता है, बट थोड़ा सा उनको भी समझें, मेरा ऐसा मेरा मानना है. आज ही के दिन बुक भी रिलीज हो रही है विकी कौशल की और आयुष्मान खुराना की, सो बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाली है. सो आपको क्या लगता है कि भूत तो ऑडियंस को, मुझे मेरे हिसाब से इस समाज को लेके बनी हुई है, तो वो भूत तो छोड़ो,
मुझे ज़्यादातर ये पसंद सबको आएगी क्योंकि ऑडियंस मॉर्निंग का जो फर्स्ट शो होता है ना, ऑडियंस कम होती है, वो टिकट सस्ती हो कम, उसे कोई मायने नहीं होता, स्क्रिप्ट अच्छी होना चाहिए। तो उस ऑडियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी ऑडियंस थी, मॉर्निंग में 9 बजे का शो था, ऑडियंस काफ़ी अच्छी है। पाँच में से आप कितने स्टार हैं? 5 में से मेरे पूरे 5 हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन सभी डायरेक्टरों को जिन्होंने काम किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और समाज को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका रिलेशन है, अब क्या कह सकते हैं, मैं तो नहीं हल कर सकता हूँ, तो समाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। गाने भी अच्छे हैं, मूवी भी अच्छी है, और काम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये समथिंग डिफरेंट था, तो ये कुछ सिखा रहा है लोगों को, तो इट वाज अमेजिंग। व्हाट अबाउट आयुष्मान खुराना? आयुष्मान इज लव, लाइक आई रियली लाइक हिम, और द वे ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ एज अ गे, और उसने जो भी स्टोरी दिखाई, एक्टिंग करी, अपने आप अपने जो फेस पे कट्स लाए एंड एवरीथिंग, इट वाज गुड, इट वाज रियली फैबुलस। सो व्हाट अबाउट जितेंद्र कुमार एंड अदर स्टार्स? आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकियों को तो मैंने देखा है पहले भी मूवी में, तो ही वाज फाइन, ही वाज गुड, बट नॉट मोर देन आयुष्मान obviously. So which thing you like the most in the movie? Sorry? Which thing you like the most in the movie? Which part you're talking yeah. about? Like the funniest part was when these two guys started kissing in the middle of the marriage, और पूरी फैमिली ने ये दिखाया कि एक रिचुअल है, तो इट वॉज फनी एंड इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज गुड। वॉट अबाउट डायलॉग्स एंड द बेस्ट डायलॉग वॉज कि अगर बता देना तुम्हारे पापा को कि अगर वो शिव हैं तो मैं शिव और पार्वती दोनों, इट वॉज रियली नाइस। एंड सॉन्ग? या द सेम सॉन्ग, द ओल्ड सॉन्ग और उसका रीमेक, एवरीथिंग वॉज गुड। आउट ऑफ 5 स्टार? 5, थैंक यू सो मच। रोलिंग? सो सर, हाउ वाज द मूवी सुपर मंगल? ये मूवी बहुत अच्छी है, लाइक आयुष्मान बैक टू बैक अपना मूवीज बहुत बैक बेस्ट दे रहे हैं, एंड इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी, आप लोग पूछने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितेंद्र ने बहुत सही काम किया है, एंड नीना गुप्ता शी हैज़ केम आफ्टर 10 ईयर एंड शी इज गिविंग हिज हर बेस्ट, सो गुड टू वॉच हर। अगर इस स्टोरी की बात करूँ, होमोसेक्सुअल को कितने अच्छे से तरीके से दिखाया गया है, इसको जितना एक्चुअली मूवीज में दिखाना चाहिए ना, इट्स परफेक्ट, लाइक डायरेक्शन वाइज, स्टोरी वाइज, इट्स अमेजिंग जितना उन्हें दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाया कि इज़ वेरी वल्गर और समथिंग लाइक दैट, इज़ वेरी कॉमन एंड बैलेंस्ड। अगर आयुष्मान खुराना की फिल्मों की बात करें, बहुत सारी उनकी फिल्में आई हैं और हिट हो चुकी हैं, सो इस ये फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है कि कितना? ऑब्वियसली इट विल गो हिट, नो डाउट, 100 करोड़ प्लस। या ओके, एंड सॉन्ग्स और डायलॉग्स के बारे में बात करो, सो कितना? डायलॉग्स आर द गुड, नो डाउट, सॉन्ग्स मैंने उतने ध्यान नहीं दिया बिकॉज बीइंग एन एक्टर आई वाज फोकसिंग ऑन एक्टिंग। एंड अगर आप लोग एक्टिंग की बात करते हो, जितेंद्र ने बहुत सही काम किया, आई रियली लव टू सी हिम इन फीदर कास्टिंग। ओके, सो आउट ऑफ 5 इज लाइक आई वुड लव टू गिव 5 out of 5। और आज के दिन भूत भी रिलीज फिल्म हुई है, तो दोनों की टक्कर होने वाली है, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को? जब तक मैं अगर मूवी को नहीं देखा हूं तो आई कांट टेल एनीथिंग, बट यस नो डाउट विकी कौशल विल नॉट लीव हिज बैक, सो थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस मूवी को देखने से पहले। वैसे ट्रेलर देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एक सीन को देखने के लिए, वो सीन देखने को मिला, लेकिन यार हज़म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ में नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट एक बार देखने लायक है ताकि उनको आप समझ पाओ, लेकिन बहुत कहते ना अंदर से हिला दिया है, इतना हिला दिया है ना कि जब इंटरवल हुआ मैंने अपने सीट छोड़ करके एक सीट दूसरा में जा करके बैठ गया। मतलब एक टाइम था ना जब गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे और जाने के बाद में ये सोचते थे बाजू में अगर लड़का है तो जाके पहले खुद बैठते थे फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाते थे, अब ऐसा हो गया किधर बैठे, बैठना किधर है एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है। So, अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, उनकी परफॉर्मेंस कैसी? जितेंद्र कुमार को देखा जाए सबसे ज़्यादा फुटेज दिया गया पूरे मूवी में, सबसे ज़्यादा फ्रेम में वही दिखेंगे, आयुष्मान खुराना को यूज़ किया गया है। मुझे ऐसा फील हो गया एंड तक में कि यार आयुष्मान खुराना कहीं गेस्ट अपेयरेंस में तो नहीं ना है, जैसे भूमि पेडनेकर आई थी वैसे ही तो नहीं ना है, क्योंकि देखो आयुष्मान खुराना के मूवी को सोच करके आए थे कि उन्हीं को देखने को मिलेगा, लेकिन उनके फ्रेम बहुत ज़्यादा कम मिले हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी आप देख सकते हो पूरी मूवी में, तो उस हिसाब से देखा जाए काफ़ी कम है। परफॉर्मेंस अगर दोनों जन की बात की जाए, दोनों का अपने अपने जगह पे सही है, और आयुष्मान खुराना एज यूजुअल जैसे होते हैं अपने कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिफाई करते वो करते हुए दिखेंगे, लेकिन यार कुछ सीन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गया है। अच्छा, और बाकी के स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस?
स्टार कास्ट में अगर बात की जाए तो बॉस इन दोनों को देखने के अलावा, जितेंद्र एंड आयुष्मान को देखने के अलावा अगर कुछ बचते हैं वो है नीना गुप्ता एंड गजराज राव। इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है कि एक नई चीज़ अभी समझ में आई है कि यूपी में लोग परेशान होते तो क्या करते और किस तरह से उस परेशानी को सुलझाते। इट वॉज सो यूनिक एंड सो फनी, तो देखने लायक था, उन दोनों का केमिस्ट्री देखने लायक है। सॉन्ग्स में अगर देखा जाए बॉस रीमेक है और एक अच्छा रीमेक मिला है गाने के बीच में, मतलब जिस तरह से एक मतलब पिटाई ही देखा, तो उसको फाइट सीन नहीं बोलते, पिटाई जो देखा देता है उसके साथ में जो गाना आता है ना वो गाना बहुत मज़ा आ जाता है देखने में। लेकिन यार माइंड में एक ही चीज़ चलता है, ये टॉपिक टैबू है, टैबू है, टैबू था, टैबू है, टैबू रहेगा, इस तरह से हम जैसे लोगों को लगेगा। लेकिन इस फिल्म को समझाने की बहुत कोशिश की गई है, टेक ऑफ बहुत अच्छी हुई थी मेरे हिसाब से। फर्स्ट पार्ट जो था काफ़ी फनी था, सेकंड पार्ट आते आते पूरा फिल्म जो है ना इधर उधर हो गई और लैंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई ये फिल्म की। तो देख करके ऐसा लगा यार जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो आयुष्मान को सोच करके आया था ना कि वसूल हो जाएगा, उस तरह से वसूल पैसा वसूल नहीं लगा। देखो हमेशा उनका टॉपिक बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छे से रखने में एक्सपर्ट रहे हैं वो, आर्टिकल 15 हो या कोई भी हो। इसका पार्ट वन जो देखा जाए शुभमंगल सावधान, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब से बैड चॉइस है, पता नहीं यार वो सीन करने के बाद में पूरा उल्टी सा फील हो रहा था यार, अभी तक वो दिमाग से जा नहीं रहा कैसे करके कर लिया होगा। इट वॉज अ बैड चॉइस मैन। आई गो फॉर द भूत, मेरे हिसाब से ना भूत जो है ना इसको बीट कर देगी, क्योंकि भूत जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। ये मूवी टैबू के हिसाब से थोड़ा पीछे रह सकती है। मूवी देखने लायक है उन लोगों के लिए जो कभी इन चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ सुना है उनके लाइफ में क्या होता है, किस तरह से वो फेस करते हैं। एटलीस्ट वन टाइम वॉचेबल तो है, एक बार देख सकते हो। लेकिन 5 में से 3 हो गया, काफ़ी है। यप, थैंक यू। मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी, स्टार्टिंग से एंड तक फुल ऑफ एंटरटेनिंग एंड कॉमेडी। इसकी फिल्म की अच्छी बात थी कि इसे एक एंटरटेनिंग में भी दिखाया जाए ताकि पूरी फैमिली देख सके और लोग एक्सेप्ट कर सकें। अब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कानून है अब, तो इसको बहुत ही एंटरटेनिंग में भी दिखाया। इंजॉय भी कर पाएगी और मैसेज भी ले पाएगी। इस फिल्म में ये ध्यान रखा गया कि दोनों चीज़ें दिखाई जाए। आयुष्मान खुराना और जितेंद्र की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि हर करेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया अपना करेक्टर, जो मदर फादर नीना गुप्ता मैम हो या फिर और भी करेक्टर हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया। डायलॉग्स और सॉन्ग्स भी अच्छे थे, लेकिन फिल्म की स्टोरी वगैरह ये ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, सॉन्ग्स वगैरह तो थोड़े ठीक ठाक थे। अगर इस फिल्म की ये बात करूँ कि क्या कुछ आपको नहीं पसंद आया, ऐसे तो फिल्म में मेरे को अभी तक तो कुछ नहीं लगा क्या नहीं पसंद आया। क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया? सबसे अच्छे ज़्यादा यही पसंद आया कि किस तरीके से समझाया गया कि लोग बोर भी ना हो और उन्हें मैसेज भी मिल जाए। 3.5 स्टार। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रियलिस्टिक मूवी है ऑन होमोसेक्सुअलिटी। इससे पहले हमने जब भी मूवीज़ देखी हैं इस तरह की तो उनमें उनका मजाक उड़ाया जाता है, बट इसमें पहली बार एक मूवी बनी है जिसमें गे कम्युनिटी पूरा स्टार्ट टिल एंड वी सी टू एक्टर्स, नहीं तो एक एक्टर होती है और एक एक्ट्रेस होती है। तो ये बहुत ही यू नो ये डायरेक्टर को कुडोज़ टू द डायरेक्टर कि उन्होंने ये सब्जेक्ट को बहुत ही सेंसिटिवली और बहुत ही मैच्योरली पोर्ट्रे किया। इन्जॉय कर पाएगी बिकॉज इट्स ए कॉमेडी मूवी और कहीं भी कोई ऐसे डेरोगेटरी डायलॉग्स नहीं है, इट्स ए फैमिली मूवी, सेंसर बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया। सो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जितेंद्र कुमार का बहुत ही सिंपल सा रोल है तो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, और उसके साथ आयुष्मान खुराना वो तो हर बॉल पर छक्का मार रहे हैं, ड्रीम गर्ल हो, कितने अलग अलग टाइप के रोल कर रहे हैं, शुभमंगल सावधान, शुभमंगल ज़्यादा सावधान, एक के बाद एक हिट्स देते जा रहे हैं और इतना एफर्टलेसली करते हैं वो कॉमेडी, हिज कॉमिक टाइम इज़ परफेक्ट। और दूसरी तरफ जितेंद्र कुमार आई थिंक इवन ही इज़ सच ए नाइस यू नो परफॉर्मर, और उसके साथ साथ नीना गुप्ता, गजराज राव, उनके भी बहुत अच्छे रोल्स हैं। और ये मूवी में मोर देन होमोसेक्सुअल टॉक्स अबाउट होमोफोबिया, जो लोगों का डर है। अभी मैंने पूरा वर्ल्ड घुमाया, US, कैनेडा, यूरोप, वहाँ पर ये रिलेशनशिप्स लीगल हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसको यू नो अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी वो लीगली मैरिजेस अप्रूव नहीं हुई हैं। तो ये मूवी आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी,
इट्स अबाउट परसेप्शन चेंज होगी लोगों की और इस तरह की मूवीज़ जो पहले लोग देख के हंसते थे तो अभी हंसेंगे नहीं. जैसे कल हो ना में कांता बाई का किरदार था, वो बहुत हंसने थी शाहरुख खान और उनको देख के, तो वो उस तरह का लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे. बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. और मैंने कहा ना ज़्यादा सावधान तो ज़्यादा हिट होगी, इतनी बड़ी हिट होगी, लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए. दे वर एज ऑफ दिस सीट, कहीं भी नॉट वन डल मोमेंट. शुरू से लेकर एंड तक आप इतना इन्जॉय करेंगे. 2 घंटे की मूवी है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी, चिरंतन दास की एडिटिंग अच्छी है, म्यूज़िक रिमिक्स सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, तनिष्क बागची का म्यूज़िक अच्छा है, डायरेक्शन हितेश केवलिया के मैंने कहा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे, कहीं भी कोई चीप ह्यूमर नहीं है, कोई भी ऐसे चीज़ी डायलॉग्स नहीं है जिससे आप शर्मिंदा हो. आप अपनी फैमिली के साथ आइए, इन्जॉय कीजिए. और अगर किसी का बेटा या बेटी गे या लेस्बियन है तो वो ये मूवी से बहुत जो पर्वर्ट्स होते हैं, जो उनका मजाक उड़ाते हैं, विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, तो उनको ये जाके मूवी देखनी चाहिए. इट्स एन आई ओपनर. भूत, बिल्कुल. मैंने सुना कि भूत मूवी बहुत ही डरावनी मूवी है, इसमें बहुत अच्छी मूवी है, कुछ एक्टर्स ने उसका दिया है, तो आई एम वेरी क्यूरियस एट द यू नो नेक्स्ट आई मीन द अदर पार्ट ऑफ द डे आई एम डेफिनेट गोना कैच अप ऑन दैट मूवी. हाउएवर विक्की कौशल यू नो यूरी वगैरह ये इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ में आए हैं तो लोग डेफिनेटली वो मूवी भी देखेंगे. पर ये मूवी के आप देखिए, पहले एक शो था उसके बाद भी दूसरा शो आया तो इट्स ऑलमोस्ट 80% लोग आए हैं. सो पीपल आर क्यूरियस टू नो, क्योंकि ट्रेलर इतना अच्छा था और ट्रेलर में ही हम लोग को लगा कि मूवी बहुत ही अच्छी होगी और इतनी कॉमेडी मूवी है, इतनी इन्जॉयबल है कि आप शुरू से लेकर एंड तक हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे. आई विल गिव 4 स्टार्स.